बंगाल में घुसपैठ नहीं रुकी, झारखंड में घुसपैठ नहीं रुकी है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। मैं हेमंत बाबू को पूछना चाहता हूँ, एक घुसपैठिया अगर झारखंड में घुसता है, आपका पटवारी क्या कर रहा है, आपका कलेक्टर क्या कर रहा है? हरियाणा चुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद बीजेपी की निगाहें अब महाराष्ट्र और झारखंड पर टिकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज झारखंड के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र भी जारी कर दिया। इसके साथ ही महाराष्ट्र चुनाव के लिए भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पीएम मोदी की भव्य रैली की जगह और तारीख भी सुनिश्चित कर दी गई है। चुनावी सरगर्मियों के बीच सी वोटर का एक सर्वे आया है। सर्वे में महाराष्ट्र से संबंधित कई सवालों को पूछा गया। सर्वे के जो नतीजे सामने आए हैं वो भले ही व्यक्तिगत तौर पर एकनाथ शिंदे के लिए अच्छे हों, मगर पूरी सरकार के लिए ये बुरी खबर हो सकती है। सर्वे में सामने आया कि मुख्यमंत्री शिंदे ने लोकप्रियता में अपने प्रतिद्वंदियों उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन सीएम शिंदे के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये है कि राज्य के 51% लोगों ने शिंदे सरकार के कामकाज से नाखुशी जाहिर की है और ये लोग सत्ता में बदलाव की मंशा भी रखते हैं, जबकि 41% लोग सरकार के प्रदर्शन को संतोषजनक मानते हैं। महाराष्ट्र टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री शिंदे की लड़की बहन योजना ने लोगों के बीच खासा असर डाला है। इस योजना को 45% से अधिक लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और इस चुनाव में गेम चेंजर भी माना जा रहा है। हालांकि सरकार की इस लोकप्रियता के इजाफे के बावजूद सत्ता परिवर्तन की मांग बनी हुई है। सी वोटर सर्वे में मराठा आरक्षण को भी चुनाव के नतीजों पर गहरा असर डालने वाला मुद्दा बताया गया है। 23% लोग मानते हैं कि मराठा आरक्षण का मुद्दा आने वाले चुनावों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए महायुति और महाविकास अघाड़ी ने किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। महायुति सीएम शिंदे की अगुवाई वाली सरकार की उपलब्धियों के बीच जनता के बीच है, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी यानी कि MVA में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। इन सब के बीच सी वोटर के सर्वे में मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सीएम पद के लिए पहली पसंद बनकर उभरे हैं। उन्होंने सर्वे में बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ उद्धव ठाकरे को लोकप्रियता के मामले में पीछे छोड़ दिया है। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं। सी वोटर के सर्वे में जब लोगों से सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं, तो एकनाथ शिंदे को 27.5% लोगों का मत हासिल हुआ। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को 10.8% ने सीएम की पहली पसंद बताया। शिवसेना UBT के प्रमुख उद्धव ठाकरे को सर्वे में फडणवीस से अधिक वोट मिले। 22.9% लोगों ने कहा कि वो फिर से उद्धव ठाकरे को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। अजीत पवार को 3.1% लोगों ने अपनी पसंद बताया। सी वोटर के सर्वे में 26.4% लोगों ने कोई राय व्यक्त नहीं की। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।